रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह पाक के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं लेके आई हूँ पोटैटो स्नैक्स। मुख्तलिफ़ किस्म के पोटैटो स्नैक्स मैं आज बनाना सिखाऊँगी, जो कि इफ्तारी में बहुत अच्छे लगते हैं और ये स्टार्टर के तौर पर भी खाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे बनते हैं पोटैटो स्नैक्स। तकरीबन आधा किलो आलू लिए, उनको बॉयल करके छील लिए। तो अब हम इसमें शामिल करते हैं, ये देखें, ये खुशक मेथी है एक टेबलस्पून, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक टेबलस्पून नमक है, आप हसबे ज़ायका भी डाल सकते हैं। ये गरम मसाला है एक टीस्पून, और ये है कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, और ये 1 टीस्पून है हल्दी, और ये है खुशक धनिया 1 टेबलस्पून, और ये ब्रेड क्रम है, ये भी इसमें जाएंगे 1 टेबलस्पून के करीब। बिस्मिल्लाह। ये है चाट मसाला 1 टीस्पून, और ये है सब्ज़ धनिया, इसमें जाएगा, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है। और एक प्याज मैंने बारीक ले लिया, बारीक कट कर लिया, इसमें जाएगा। और ये है सब्ज़ मिर्चें, ये भी बारीक बारीक मैंने काट ली हैं। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से सब मसालों की। व्यूअर्स देखें, ये हमारी स्टफिंग कितनी अच्छी से तैयार हो गई है। तो अब हम ये लेंगे पट्टी, समोसा पट्टी, तो इसके ऊपर हम ये लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ से ज़्यादा अच्छी लगती है, चम्मच या छुरी से वो अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं हाथ से ही लगा रही हूँ। जी बीबर, ऐसे ही हमने ये इसके ऊपर चीज़ लगाएंगे थोड़ी सी, और इसको रोल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे, बिस्मिल्लाह। हल्का सा मैदा रखा था हमने घोल के, ये जाएगा। देखें कितने अच्छे से रेडी हो गए हैं। जी व्यूअर्स, अब इसी मटेरियल से मैं दूसरे तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। इसको पहले हम थोड़ा सा लगाएंगे, ये जो हमने गोल बना के रखा था। जी व्यूअर्स, इसी मटेरियल से मैं दूसरे तरीके से आपको बनाना बताऊंगी। ये देखें, ऐसे इसके ऊपर स्टफिंग रखेंगे थोड़ी सी, ऐसे रख दें चाहे वैसे ही रख दें, एक ही बात है। इसके ऊपर चीज़ रखेंगे, इसको ऐसे रखेंगे, जी व्यूअर्स, इसको ऐसे प्रेस कर देंगे, फिर इसको फिर मैदा लगाएंगे, ऐसे कर देंगे, अब इसको लगाएंगे। बहुत इजी है, बच्चियां बहुत आसानी से बना सकती हैं। ये देखें इतना अच्छे से बन के तैयार हुआ है, ऐसे ही हम बाकी भी सारे बनाएंगे। जी व्यूअर, इसी से हम अब समोसे भी, ऐसे हम छोटे समोसे बनाएंगे। पहले हम इनको ये लगाएंगे मैदा जो गोल के रखा था हमने, हल्का हल्का सा, फिर हम इसको लगाएंगे, फिर हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितनी भी आप चाहते हैं, थोड़ी ज़्यादा, कुछ लोग थोड़ी थोड़ी लगाते हैं भर के, कुछ लगाते हैं। ये देखें व्यूअर्स, ऐसे ही हम बाकी भी सारे समोसे बनाएंगे। ये रोल
कितने अच्छे से बन गए हैं। अब हम इनको फ्राई करते हैं। ये दोनों साइडों से हल्का हल्का इनको हम मैदा लगाएंगे, फिर हम इसमें डिप बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ठीक बस देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखें अब हम इनको लाइट गोल्डन करके तो फिर निकालेंगे। पता नहीं ये ऑयल में क्या मसला है कि झाग बन जाती है और कुछ नज़र ही नहीं आता। जी व्यूअर्स देखें कितने अच्छे से बन के तैयार हो गए हैं। ये हमारे समोसे भी रोल भी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ये देखें और ये भी जी व्यूअर्स ये देखें हमारे कितने अच्छे से बन के पोटैटो स्नैक्स कितने अच्छे बने हैं। ये हमने चौरस बनाए हैं, ये हमने गोल रोल बनाए हैं, छोटे समोसे बनाए हैं। अब हम इसको ये मैंने थोड़ी सी सेवइयाँ ली हैं, उसमें मैंने चाट मसाला डाला है, तो अब इसमें मैं थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालूँगी। तो अब हम इसको लगाएंगे ऊपर, ये देखें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हल्का सा केचप लगा के तो इसमें ऐसे कर लेंगे, ये देखें फिर हल्का सा लगा के ऐसे कर लेंगे। ये देखें कितनी अच्छी लुक आ रही है। ऐसे ही हम सबको करेंगे। जी व्यूअर्स देखें ये हमारे पोटैटो स्नैक्स बन के कितने अच्छे से तैयार हुए हैं। आप भी ऐसे ही बनाइएगा, बहुत झटपट बन जाते हैं तो बहुत मज़े के बनते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइंदा नई आने वाली वीडियो के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।